सलमान खान की हत्या की साजिश हुई नाकाम। गैंगस्टर के खास गुर्गे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसने सलमान खान की हत्या को लेकर कर रखी थी बड़ी प्लानिंग। जी हाँ, सलमान खान की हत्या करने की साजिश का खुलासा हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने किया है। आपको बता दें कि सलमान खान को जोधपुर के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी थी, तभी से उनकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ने बिश्नोई गैंग के एक कुख्यात गुर्गे संपत नेहरा को गिरफ्तार किया है। लेकिन संपत ने सलमान खान की हत्या को लेकर जो खुलासे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। एक न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने नेहरा को सलमान खान पर नजर रखने और मौका मिलते ही उन पर हमला करने का आदेश दिया था। और यही नहीं, इसके लिए नेहरा ने मुंबई में सलमान खान के घर की रेकी भी की थी। वहीं सलमान खान पर हमला करने के बाद नेहरा का देश छोड़कर जाने का भी प्लान था। स्पेशल टास्क फोर्स के मुताबिक नेहरा ने सलमान खान के घर की बालकनी तक की दूरी नाप ली थी और उनके घर की तस्वीरें भी खींची। सलमान खान अक्सर बिना सुरक्षा के बालकनी में अपने फैंस से मिलने आया करते हैं और इसीलिए फैंस और बालकनी के बीच की दूरी नापी गई ताकि उसके लिए सही हथियार का इस्तेमाल हो सके। वहीं आपको बता दें कि संपत नेहरा के पिता हरियाणा पुलिस से ASI पद पर रह चुके हैं और उसका छोटा भाई फौज में है। खैर, इस मामले पर पुलिस और भी जांच पड़ताल में जुट चुकी है, लेकिन ये खुलासा वाकई में काफी चौंकाने वाला है। प्लीज गिव योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।